नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा चैप्टर है एनीमिया और G6PD टेस्ट। हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें एनीमिया, G6PD टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया के बारे में कि एनीमिया होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की अक्षमता या इनेबिलिटी एनीमिया होता है। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी यह दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के उत्पादन के कारण होता है। एनीमिया को निम्न कारणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अपर्याप्त या दोषपूर्ण इरिथ्रोसाइट का निर्माण है। यदि लाल कोशिकाओं की संख्या बहुत कम है या लाल कोशिकाएं किसी तरीके से खराब है तो एनीमिया हो सकता है। इसमें आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी और बोन मेरो फेलियर शामिल है। अब अपन बात करते हैं ब्लड लॉस और एक्सेसिव इरेथ्रोसाइट ब्रेकडाउन के बारे में, या रक्त की कमी या अत्यधिक इरेथ्रोसाइट टूटना या हीमोलाइसिस के बारे में। तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है। यह दुनिया के कई हिस्सों में एनीमिया का सबसे आम कारण है। इसमें रेड ब्लड सेल्स की गिनती अक्सर सामान्य होती है, लेकिन कोशिकाएँ छोटी, पीली या परिवर्तनशील होती है और इनमें सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। प्रत्येक कोशिका में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से नीची मानी जाती है। जब औसत कोशिका हीमोग्लोबिन यानी MCH 27 पिकोग्राम पर सेल से कम होती है, हीमोग्लोबिन का स्तर 9 ग्राम पर डेसीलीटर रक्त से कम होने पर एनीमिया को गंभीर माना जाता है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के लक्षण: सामान्य थकान, कमजोरी होना, त्वचा का पीलापन होना, सांस लेने में कठिनाई होना, सिर चकराना, जीभ में सूजन या खराश का होना शामिल है। अब अपन बात करते हैं विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया के बारे में। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से इरेथ्रोसाइट परिपक्वता होती है और रक्त में असामान्य रूप से बड़े इरेथ्रोसाइट यानी मेगलोब्लास्टिक पाए जाते हैं। जब आपके अंदर विटामिन की मात्रा सामान्य से कम होती है तो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। विटामिन की कमी वाले एनीमिया से जुड़े विटामिनों में फोलिएट, विटामिन B12 और विटामिन सी शामिल होते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले एनीमिया के लक्षण, जिसमें सांस लेने में कठिनाई का होना, सिर चकराना, हल्का पीला या पीली त्वचा का होना, एनीमिया दिल की धड़कन का होना, वजन का घटना, मांसपेशियों में कमजोरी होना शामिल है। अब अपन बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर पर्याप्त संख्या में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में विफल रहता है। स्टेम सेल द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किया जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया सभी रक्त कोशिका यानी लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स प्रकारों की कमी का कारण बनता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से पैनसाइटोपीनिया कहा जाता है। सामान्य अस्थि मज्जा में 30-70% रक्त स्टेम कोशिकाएं होती है, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में ये कोशिकाएं ज़्यादातर चली जाती है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। अब अपन बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो इसमें थकान का होना, सांस लेने में कठिनाई होना, तेजी से या अनियमित हृदय गति का होना, पीली त्वचा का होना, लगातार या लंबे समय तक संक्रमण का होना या अनएक्सप्लेन्ड और इजी ब्रशिंग होना, नाक से खून का आना और मसूड़े से खून आना, कटने से लंबे समय तक रक्तस्राव का होना शामिल है। अब अपन बात करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में। हीमोलाइटिक एनीमिया एक विकार है
जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश को हीमोलाइसिस कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं आपके शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाती है। यदि आपके पास लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य मात्रा से कम है तो आपको एनीमिया है। यह सबसे अधिक स्प्लीन के अंदर होता है, लेकिन यह रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम या मैकेनिकल प्रोटेस्टिक वाल में भी हो सकता है। इसके सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें असामान्य रूप से कोमलता या त्वचा का रंग का ना होना शामिल है, पीली त्वचा, आंखें और मुंह यानी कि जॉन्डिस का होना, गहरे रंग का यूरिन का होना, बुखार का होना, कमजोरी होना, सिर चकराना, भ्रम की स्थिति पैदा होना शामिल है। अब अपन बात करते हैं पॉलीसाइथेमिया के बारे में। यह है जिसे पॉलीसाइथेमिया या पॉलीग्लोबुलिरिया के रूप में भी जाना जाता है, एक रोग की स्थिति है जिसमें हीमेटोक्रिट या रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन प्रतिशत और हीमोग्लोबिन सांद्रता प्रदीय रक्त में ऊंचे हो जाते हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि या प्लाज्मा की मात्रा में कमी के कारण हो सकता है। इसको कभी कभी इरेथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है, लेकिन शब्द सामर्थ्य नहीं है क्योंकि पॉलीसाइथेमिया लाल रक्त कोशिकाओं में किसी भी वृद्धि को संदर्भित करता है, जबकि इरेथ्रोसाइटोसिस केवल लाल कोशिकाओं के द्रव्यमान की एक दस्तावेज वृद्धि को संदर्भित करता है। पॉलीसाइथेमिया के सामान्य लक्षणों में शामिल है थकान का होना, खुजली का होना, सिरदर्द होना, पसीना आना, धुंधली दृष्टि या ब्लाइंड स्पॉट का होना, दर्दनाक जलन या हाथ या पैरों की सूनता होना, मसूड़ों से रक्तस्राव और छोटे कटों से भारी रक्तस्राव का होना, हड्डियों में दर्द होना शामिल है। अब अपन बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल रोग के रूप में जाना जाता है। यह विकारों के एक समूह में से एक है। सिकल सेल एनीमिया विरासत में मिला लाल कोशिकाओं का विकार है, जिसमें आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। आमतौर पर लचीली गोल लाल रक्त कोशिकाएं रक्तवाहिकाओं के माध्यम से आसानी से चलती है। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त सिकल या क्रिसेंट मून्स के आकार की होती है या हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। ये कठोर चिपचिपी कोशिकाएं छोटी रक्त कोशिकाओं में अटक सकती है, जो शरीर के कुछ हिस्सों में रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन को धीमा या अवरुद्ध कर सकती है। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण और संकेत निम्न है, जिसमें थकान और एनीमिया का होना, दर्द होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, स्प्लीन और लीवर की रक्त संकुलन में रक्त की अचानक पूलिंग का होना, फेफड़े और दिल की चोट का होना, पैरों के छाले होना शामिल है। अब अपन बात करते हैं थैलेसीमिया के बारे में। यह विरासत में मिला रक्त विकार है, जो आपके शरीर को सामान्य से कम हीमोग्लोबिन का कारण बनता है। हीमोग्लोबिन लाल कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है। थैलेसीमिया एनीमिया का कारण बन सकता है, जिससे आपको थकान हो सकती है। यदि आपको हल्का थैलेसीमिया है तो आपको उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती, लेकिन अधिक गंभीर रूपों को नियमित रूप से रक्त संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है। आप थकान से निपटने के लिए कदम उठा सकते हैं, जैसे कि एक स्वस्थ आहार चुनना और नियमित रूप से व्यायाम करना। थैलेसीमिया लक्षण और लक्षण शामिल हो सकते हैं। इसमें थकान का होना, दुर्बलता का होना, पीली या पीली त्वचा का होना, चेहरे की हड्डी की विकृति होना, धीमी वृद्धि होना, पेट में सूजन का होना, यूरिन का डार्क होना शामिल है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो इसके ऑप्शन है हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया। तो इसका आंसर होगा फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया। अब अपन बात करते हैं G6PD के बारे में, यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में। G6PD की कमी एक आनुवांशिकी विकार है, जो अक्सर पुरुषों को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब शरीर में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज यानी G6PD नामक एक एंजाइम पर्याप्त
नहीं होता है। G6PD लाल रक्त कोशिकाओं को काम करने में मदद करता है। यह रक्त में उन पदार्थों से भी बचाता है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। G6PD की कमी वाले लोगों में या तो लाल रक्त कोशिकाएं पर्याप्त G6PD नहीं बनाती है, या वे जो करती है वह वैसा काम नहीं करती है जैसा उसे करना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए G6PD के बिना लाल रक्त कोशिकाएं अलग हो जाती है। इसे हीमोलाइसिस कहा जाता है। जब कई लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो एक व्यक्ति हीमोलाइटिक एनीमिया विकसित कर सकता है। यह एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रिनेज एंजाइम होता है। रक्त कोशिकाओं के टूटने से संक्रमण, निश्चित दवा, तनाव या फवा बीन्स जैसे खाद्य पदार्थों से ट्रिगर हो सकता है। विशिष्ट उत्परिवर्तन पर निर्भरता स्थिति भिन्न हो सकती है। डायग्नोसिस लक्षणों पर आधारित है और रक्त परीक्षण या टेस्ट और आनुवांशिक टेस्ट द्वारा समर्थित होता है। G6PD की कमी के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं रैपिड हार्ट रेट, सांस लेने में कठिनाई, यूरिन का डार्क होना, बुखार, थकान, सिर चकराना, पेनलेस पीलिया या त्वचा का पीलापन और आंखों का सफेद होना शामिल है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। यदि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G6PD? इसका ऑप्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाई नाइट्रो ऑक्सीलेट, ग्लूकोज 6 प्रोटीन डाइहाइड्रोजनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाई नाइट्रो फिनेलेज। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। अब अपन बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में या उद्देश्य के बारे में। G6PD की कमी एक विरासत में मिला विकार है। यह अफ्रीकी, एशियाई या भूमध्य वंश के पुरुषों में सबसे आम होता है। यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रांसमिशन का परिणाम है जिसका अर्थ है कि महिलाओं के विपरीत पुरुषों को प्रभावित करने की बहुत अधिक संभावनाएं होती है। इसकी कमी से एक निश्चित प्रकार का एनीमिया हो सकता है जिसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। G6PD टेस्ट अक्सर हीमोलाइटिक एनीमिया के कारणों को निर्धारित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। G6PD एक एंजाइम है जो NADPH के निर्माण के लिए उपयोग होता है, जो ग्लूटाथियोनिन को बनाए रखता है। ग्लूटाथियोनिन की सांद्रता में कमी से RBC झिल्ली का नुकसान होता है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। जब एंटीकोगुलेंट ब्लड पूरी तरह से अभिकर्मक या डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिलाया जाता है तो टेस्ट ट्यूब में रंग का उत्पादन भूरे रंग के रूप में होता है, जो कि G6PD के लिए संकेत होता है। इसमें स्पेसिमेन की बात करें तो इसमें स्पेसिमेन EDT ब्लड, SED या एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज का उपयोग किया जाता है। इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है टेस्ट ट्यूब और प्रीपेड। अब अपन बात करते हैं रिएजेंट के बारे में। तो इसमें रिएजेंट में दो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, जिसमें सॉल्यूशन फर्स्ट में सोडियम नाइट्रेट जो कि 0.1 ml होता है, ग्लूकोज 0.1 ml, डिस्टिल वाटर 100 ml काम में लिया जाता है। और इधर अपन सॉल्यूशन सेकंड की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट 0.1 ml लिया जाता है, ग्लूकोज 0.1 ml, डिस्टिल वाटर 100 ml और मिथानिन ब्लू 0.1 ml लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में या प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले अपन को तीन टेस्ट ट्यूब ली जाती है जिन्हें TPN से चिन्हित किया जाता है। टी वाली टेस्ट ट्यूब होती है वह तो टेस्ट के लिए काम आती है, जो पी वाली टेस्ट ट्यूब होती है वह पॉजिटिव कंट्रोल में काम आती है, और जो एन वाली टेस्ट ट्यूब होती है वह नेगेटिव कंट्रोल में काम आती है। चिन्हित टी टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन फर्स्ट 0.1 ml और सोल्यूशन टू 0.1 ml ऐड किया जाता है। पी चिन्हित टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन 0.1 ml लिया जाता है और एन वाली टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं लिया जाता, यानी उसे खाली छोड़ दिया जाता है। सभी टेस्ट ट्यूब में 2 ml ब्लड ऐड किया जाता है। सभी टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और 3 घंटे के लिए 37 डिग्री तापमान पर वाटर बाथ में इनक्यूबेट किया जाता है।
इंक्यूबेशन के बाद और TPN चिमनी टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर 10-10 मिलीलीटर ऐड किया जाता है। अपने नोट देखते हैं, टेस्ट ट्यूब भी हमेशा भूरे रंग की होती है क्योंकि वह पॉजिटिव कंट्रोल के रूप में काम करती है। टेस्ट ट्यूब N हमेशा लाल रंग की होती है क्योंकि वह नेगेटिव कंट्रोल का काम करती है। इसमें रिजल्ट की बात करें तो परीक्षण या टेस्ट का रंग मिलान सकारात्मक, इसका मतलब है नकारात्मक, यानी कि यदि टी चिन्नी टेस्ट ट्यूब समाधान डिस्टिल वाटर के साथ मिलाने के बाद लाल हो जाती है तो G6PD की डेफिशिएंसी नहीं है, यानी कि टेस्ट नेगेटिव है। डिस्टिल वाटर के साथ मिश्रण करने के बाद टेस्ट ट्यूब टी रंग का भूरा होता है, यह G6PD की कमी के बराबर है, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव है। अपन बात करें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, तो इसमें हेमोलाइटिक एनीमिया, नवजात पीलिया शामिल है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने पर कौन सा रंग टेस्ट ट्यूब रिएजेंट द्वारा दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है रेड, ग्रीन, ब्राउन या पर्पल। तो इसका सही आंसर होगा ब्राउन। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।